हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 24 जनवरी 2021 में वरुण धवन और नताशा दलाल ने शादी की और ये अब हस्बैंड और वाइफ बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, नताशा दलाल एक फैशन डिज़ाइनर है, वही वरुण धवन एक बॉलीवुड एक्टर है, जैसा कि आपने देखा भी होगा इनको कई सारी फिल्मों में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन और नताशा दलाल के एज गैप के बारे में। आखिर इन दोनों के बीच कितना एज गैप है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वरुण धवन एक एक्टर है और डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं। वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और 2021 के हिसाब से 34 साल के हैं। वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म माय नेम इज़ खान से की थी और फिर इन्होंने एज अ एक्टर डेब्यू किया 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जिसमें इनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट थे। और आज के टाइम पे वरुण धवन एक सक्सेसफुल एक्टर है और साथ ही साथ ये एक हाई स्पीड एक्टर भी हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, वरुण धवन नताशा दलाल के बचपन के फ्रेंड है जिनसे इनकी शादी हो चुकी है और नताशा दलाल वरुण धवन की वाइफ बन चुकी है। बात करें नताशा दलाल के बारे में तो मैं आपको बता दूं, नताशा दलाल प्रोफेशन से एक फैशन डिज़ाइनर है और इनका जन्म 16 मार्च 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 32 साल की हैं। दोस्तों, नताशा दलाल ने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई न्यूयॉर्क से की और 2013 में ये इंडिया आई और इंडिया आकर इन्होंने खुद का ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने रखा नताशा दलाल। और इस ब्रांड से ये कई सारे ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं, जैसे कि लहंगास, गाउन, सेमी फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बात करें वरुण धवन और नताशा दलाल के बीच एज गैप के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच एज गैप है 1 साल 10 महीने 20 दिन का, यानी 1 साल 10 महीने 20 दिन बड़े हैं वरुण धवन नताशा दलाल से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर देना लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना इन दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।